Good afternoon. I'm Dr. Pankaj Chhabra, Senior Chest Physician, Metro Hospital, Faridabad. Today we will be talking about myths about asthma. कई बार एस्मा में लोगों में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं, तो वील ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स राइट देयर. पहला जो एस्मा में लोगों में वो कन्फ्यूजन होता है, वो फर्स्ट कन्फ्यूजन ये एक्सेप्टेबिलिटी का. कई बार पेशेंट्स में एस्मा में वेरिएबल सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ खांसी की दिक्कत रहेगी. एस्मा का जो क्लासिकल सिम्टम्स है, कफ, चेस्ट टाइटनेस या सांस की दिक्कत, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, ऐसा कुछ नहीं होता. तो कई बार हमको ये समझाने में ये दिक्कत रहती है कि एस्मा कैन आल्सो प्रेजेंट विद कफ ओनली. सिर्फ खांसी के साथ भी ये जो लक्षण होते हैं वो एस्मा के हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि हर एस्मा वाले पेशेंट को सांस की दिक्कत होता है, ये हर एस्मा वाले पेशेंट को बलगम की दिक्कत आता है. कई बार एस्मा सिर्फ खांसी में प्रेजेंट करता है और वो आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल खांसी के ट्रीटमेंट से डिफरेंट होता है. नेक्स्ट सिम्टम ऑफ जो नेक्स्ट मिथ है एस्मा के बारे में कि एस्मा तो सिर्फ बचपन में हो सकता है और एडल्टहुड में एस्मा नहीं हो सकता. दिस इज़ नॉट द केस. एस्मा किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है. यूजुअली चाइल्डहुड में, चिल्ड्रन में ज़्यादा पहचाना जाता है और चाइल्डहुड एस्मा ज़्यादा कॉमन है. लेकिन हमने कई बार एडल्टहुड वाले या एज ऑनसेट या लेट ऑनसेट एस्मा भी देखे हैं. तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को 40 साल की या 50 साल की उम्र में दिक्कत हो रही है सांस की तो एस्मा नहीं हो सकता. डेफिनेटली उस कंडीशन में भी, उस एज में भी एस्मा हो सकता है. हाँ, डेफिनेटली कभी सांस की दिक्कत अगर आपको 45 या 50 की एज में होती है तो आपको एस्मा के अलावा बाकी सारे सिम्टम्स भी बचाने चाहिए. थर्ड मिथ है एस्मा का कि एस्मा में इनहेलर के बिना अगर मैं टैबलेट ले लूँ तो मुझे गुजारा हो जाएगा. ये सबसे बड़ा मिथ है. एस्मा का जो मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो इनहेल्ड थेरेपी है. चाहे वो इनहेलर से लो या नेबुलाइजर से लो, ये बिल्कुल सेफ थेरेपी है. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अगर आप टैबलेट लेते हैं, कफ सिरप्स लेते हैं या बाकी मेडिसिन लेते हैं, वो एस्मा में डेफिनेटली नुकसान करता है. और नेबुलाइजर और इनहेलर एस्मा के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है. फोर्थ, अगर जो सबसे बड़ा मिथ हमको देखा जाता है वो ये कि इनहेलर और नेबुलाइजर का साइड इफेक्ट क्या है. इनका तो बहुत साइड इफेक्ट आता होगा, तो ये लेना सेफ है या नहीं. एस्मा में जो इन्हेलेशन थेरेपी है, इन्हेलेशन में नेबुलाइजर या इनहेलर, दीज आर एब्सोल्युटली सेफ थेरेपी. इफ आई से अगर आप कफ सिरप या एंटीबायोटिक या कोई ओरल टैबलेट्स लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट डेफिनेटली आता होगा. लेकिन इनहेलर्स का साइड इफेक्ट अगर प्रॉपरली लिया जाए तो बिल्कुल कम आता है, चाहे वो बचपन से ले रहे हो या किसी भी एज में शुरू कर दो. तो एस्मा का कोई साइड इफेक्ट, जो मेडिसिन में इनहेलर को साइड इफेक्ट नहीं है. एक और मिथ है एस्मा के बारे में कि खाने पीने से एस्मा की दिक्कत नहीं बढ़ती. नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है. एस्मा एक एलर्जिक डिजीज़ है, लेकिन खाने पीने से, कोल्ड एनवायरनमेंट से, ये ट्रिगर की तरह काम करते हैं एस्मा में. तो अगर आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करते, जंक फूड ज़्यादा लेते हो जिसमें ओबेसिटी की दिक्कत आ जाती है, तो लंग्स पे बहुत दबाव पड़ता है और एस्मा के सिम्टम्स बढ़ते हैं. एस्पेशली अगर आप इवनिंग में सोने से पहले कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक, फेंटा या इस तरह वाले कुछ लेते हैं जिसमें कि फीज हो, वो एस्मा में कभी कभी लोगों में ख़राब कर जाते हैं. तो हम डेफिनेटली पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि अगर आपको एस्थमा है और वो कंट्रोल नहीं है, तो आप ऐसी ठंडी और फिज वाली चीज़ों से दूर रहें जो कि अंदर गैस की दिक्कत बना सकती है और आपके एस्थमा को दोबारा वर्सन कर सकती है. थैंक यू.